लगी है, खाना कब मिलेगा? आ रही हूँ अभी, 5 मिनट रुक जाओ। तूने जगदम्बे काली जय दुर्गे कप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारतीया मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैंने आरती भी कर ली। आप पूछती हो मम्मी खाना आ रही हूँ क्या? आफत आ गई, पूछा भी नहीं ढंग से कर सकते क्या? अब 2 मिनट रुक जाओ। खाना मैंने बनाकर रख दिया है, खा लेना। और मैं मिसिज मेहता के घर पाठ पर जा रही हूँ, तो प्लीज़ फ़ोन मत करना, माता रानी का टाइम चल रहा है, तो मुझे थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने दो, ठीक है ना? ठीक है मम्मी, नहीं करूँगी फ़ोन। माता दी मिसिज मेहता, कैसे हो आप? नमस्ते, आइए ना, पहले बैठिए, बैठकर बात करते हैं आराम से। ये क्या मिसिज मेहता, आपने ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी है? आपको नहीं पता नवरात्र में ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनते? और आपके घर तो पाठ भी है, फिर भी आपने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं। जय माता दी। अच्छा मिसेस गोयल, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था, ना मुझे कभी किसी ने बताया कि पाठ पर ब्लैक कलर के कपड़े नहीं पहनते। अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं कि कपड़े चेंज कर सकूँ, सब गेस्ट आ चुके हैं। प्लीज़ आप मुझे कुछ बताइए ना, मैं क्या करूँ? अब तो क्या कर सकते हैं, ऐसा करना माता रानी के चरणों में ना पढ़कर माफ़ी मांग लेना, बहुत दयालु है माता रानी, आपको माफ़ ज़रूर कर देगी। चलिए ठीक है, फिर मैं एक बार ना पहले माता रानी के चरणों में जाके ना माफ़ी मांग लेती हूँ, उसके बाद आपसे आगे बात करती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे बता दिया। ओह जय माता दी मिसिज गोयल। भाभी जी आप भी यहाँ पर? जय माता दी। क्या बात है, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो आज। क्या बात, पाठ के बाद कहीं और भी जाना है क्या? सुंदर तो आप भी बहुत लग रहे हो भाभी जी। अब आपको क्या बताऊँ, मेरे को ना पीरियड्स आए हुए हैं, मैंने तो बहुत मना किया भाभी जी को, मगर वो कहते ना ना तुझे तो ज़रूर से ज़रूर आना है। अब बाहर तो कहाँ जाना, बस अपना कमरे में बैठी रहूँगी यहीं पर। आपको पीरियड्स आए हुए हैं और फिर भी यहाँ पर आ गए? अच्छा अच्छा मैं चलती हूँ, वो ना मेरी बेटी को ना बहुत ज़रूरी काम था आज, उसको बाहर जाना था, मैं ना आपके पार्ट में ना बाद में आऊँगी। भाभी जी काम निपटते ना गुड़िया का, ज़रूर से ज़रूर आ जाना। राम हाय राम, माफ़ करना माता रानी, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना माता रानी, माफ़ करना। क्या हो मम्मी, आप ये क्या कर रहे हो, और आप इतनी जल्दी पार्ट पर से आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रह मेरे पास मत आ, जा फटाफट से ना बाथरूम में मेरे नए कपड़े, बिल्कुल धुले हुए कपड़े, और ना सारा सामान रख के आ, जल्दी से जा। क्या हो मम्मी आपको? अक्ल ही नहीं है, वो है ना भाभी जी मिसेस शर्मा, उनको पीरियड्स आए हुए थे और उन्होंने ना मुझे टच कर दिया। खुद तो अपवित्र हो ही रहे हैं, मुझे भी अपवित्र कर दिया नवरात्रों के दिनों में। माता रानी माता रानी माता रानी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो, जल्दी से जा गुड़िया, जल्दी से जा, फटाफट से मेरे कपड़े टांग के और मुझसे धो रही है। मैं आप भी कैसे कैसे बात करते हो, ये तो किसी की हाथ की बात है, फिर क्या वो टच कर दिया, तो ऐसे टच करने से कुछ नहीं होता। जो तो बकवास ही लगेगी सारी बातें, जो कहे ना जल्दी से कर, और ना जाए जाना बहस नहीं करा करते मम्मी से, जल्दी से कपड़े टांग के आ। ठीक है जा रही हूँ मैं।